हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा स्क्वायर। मेरा नाम खुशबू है और आज के इस वीडियो में हम जो यूपी का एग्ज़ाम हुआ है आज, रिटन एग्ज़ाम सहायक अध्यापक भर्ती के लिए, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम जल्दी जल्दी देखेंगे। यहाँ पे मैं तीन वीडियोस बनाऊंगी जिसमें 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप तीनों वीडियोस से अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। ये मोस्ट अप्रॉक्सीमेट आंसर्स हैं, सो आई होप आपके सारे आंसर्स ठीक हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही हुए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सी बुकलेट है, ये सी बुकलेट के मैं हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था ये मैथ्स का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस नाइन जेड स्क्वायर प्लस सिक्स वाई जेड का गुणनखंड बताना था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर थ्री है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी, तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर टू, सही है ए प्लस बी बाय टू। नेक्स्ट है किसी कक्षा के छः छात्रों की आयु निम्नवत है, तो इसकी मध्यिका आपको बतानी थी, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापों का अनुभाविक संबंध है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर टू है ये सही होगा, तीन मध्यिका इज इक्वल्स टू बहुलक प्लस टू माध्य। फिर है यदि किसी व्यक्ति के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो ऑप्शन नंबर फोर है वो करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि सुनील अरोड़ा। फिर है क्वेश्चन नंबर सेवन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सही है, 29th of August। फिर उसके बाद में है एट्थ क्वेश्चन, बहुचरित्रम महाकाव्य किसने लिखा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही है, अश्व घोषा। फिर उसके बाद में है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय क्या था, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेंथ, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 133, ये वाला आंसर इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11th, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर टू है वो करेक्ट है यानी कि गोरखनाथ। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का जो लोक नृत्य है वो है यक्षगान यानी कि ऑप्शन नंबर फोर। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, कांचीपुरम के में कैलाशनाथ मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं किसने बनवाया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सही है, नरसिंह वर्मन सेकेंड। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, मिर्जापुर प्रसिद्ध है, तो मिर्जापुर जो है वो कजरी के लिए प्रसिद्ध है यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। फिर है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सही है जो कि सिक्किम में है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह स्थित है खुर्जा में जो कि ऑप्शन नंबर टू है आपका। फिर है वर्ष 2018 का रमन मैग्सेस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो वो प्रदान किया गया है भरत वाटवानी को जो कि वो है ऑप्शन नंबर वन। फिर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को पुरस्कार दिया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई है, तो वो है साहित्य लिटरेचर में इस बार कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया है। फिर है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी, तो वो थी नाओमी ओसाका जो कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, विलेज रॉकस्टार्स ने, ठीक है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया था पोलैंड में जो कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है इसका। फिर है निम्नलिखित देशों में से किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी,
तो इसका आंसर है नेपाल, जो कि है ऑप्शन नंबर वन। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर ये तो सबको पता होगा, जो कालिदास को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो वो 2017 में किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। फिर है कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कथकली है वो केरल का है, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट है। फिर है सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो उनका निशानेबाजी से संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है। फिर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, जो कि है 182 मीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है, ट्रेन 18, जो कि है ऑप्शन नंबर फोर्थ। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है प्रत्युष, तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, तो इसका जो आंसर है वो है द शेप ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है, तो इसका स्थान था 129, तो इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। फिर है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है संजय बारू, तो इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। फिर उसके बाद में है एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर फोर्थ। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है, तो इसकी जो लेखिका है वो है एना बर्न्स, जो इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 36, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है, टू डेवलप एबिलिटी अकॉर्डिंग टू डिमांड्स एंड चैलेंजेस। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 37, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो है मैकडूगल, जो कि ऑप्शन नंबर है थर्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर 38, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, दूसरों की परेशानियों को समझता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 39, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो वो धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, यानी कि पॉजिटिव एंड डायरेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष में प्रभावित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है, 2010 में। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 41, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया है अरबन द्वारा, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेल्फ प्राइड, यानी कि आत्मगौरव, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 43, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है, तो उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो है ब्रेवर, जो नहीं, इसका जो आंसर है 44 का वो होगा पार्सन्स, तो इसका ऑप्शन नंबर टू करेक्ट है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 45, एनसीईआरटी के ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा, समानता एवं सहयोग, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 46, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से कैसे संबंध है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पौत्री या ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा 100/64, यानी कि ऑप्शन नंबर वन। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर थ्री है वो करेक्ट है, 20 √2 किलोमीटर।
फिर है क्वेश्चन नंबर 49, किस सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ वी आर बैड और 358 का अर्थ गुड एंड बैड है इस भाषा में, एंड के लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त की गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 यानी कि 8, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस संकेत में फोर्ज को ये लिखा जाता है, तो कल्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा, ये एनकोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। तो ये गाइस 50 क्वेश्चन थे, नेक्स्ट 50 का वीडियो मैं अभी थोड़ी देर में पब्लिश करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।